Hello dear children, but in the last video I have taught you the definition of conjunctions, what the conjunctions are also called connectors, or we can say joining word. Okay, now many conjunctions I have taught you, some examples were given in the last video. Today I am going to explain where to use those following conjunctions. So today we will start with the end hota hai or, right? What do you mean by or? Means when we talk about two things together, when we join two things together, then we use end. इट इज़ यूज टू शो द एडिशन. ओके, एडिशन मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसके अलावा दूसरी चीज़ भी होगी तो उसके लिए हम उसको जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं. तो एडिशन हो गया. और आपको किस चीज़ को जोड़ता बेटा? इट कैन बी टू नाउन्स, इट कैन बी टू प्रोनाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है. जैसे मैंने बोला रोहन एंड सोहन, सी हियर रोहन एंड सोहन, सो हियर आई हैव रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, है ना. मैंने एग्जाम्पल में लिखा रोहन एंड सोहन फ्रेंड्स. सो सी हियर दिस इज रोहन एंड सोहन, ठीक है. दिस इज नाउन, तो यहाँ पे आई हैव जॉइन टू नाउन्स टुगेदर, मीन्स रोहन के साथ सोहन बोथ आर फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे एंड कंजंक्शन जोड़ा. तो हियर आई हैव जॉइन टू नाउन्स. प्रोनाउन भी अगर मैं लिखूंगी तो लिखूंगी ही एंड आई, है ना. आई एम, आई यहाँ पे आ रही लाइक, ठीक है, क्योंकि एंड जब ज्वाइन करता है कंजंक्शन प्रोनाउन में तो फिर ही एंड आई, तो दो प्रोनाउन भी हो सकता है. वर्ब को कैसे करेंगे बेटा? वर्ब का भी अलग तरीके से, जैसे मैंने अपने बोला रोहन डांस एंड सेंग वेल, मतलब दोनों चीजें अच्छे, तो मैंने कि रोहन को ही लेके चलती हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट के तरीके से. रोहन सेंग एंड डांस्ड, है ना, पास्ट टेंस में लिखा है डांस. तो हियर आई हैव जॉइंड टू वर्ब्स, डांस्ड वेल इन द कंसर्ट, जो भी है. तो सी आर सेंग एंड वर्ब, हियर आई जॉइन टू वर्ब. सो मीन्स एंड इज यूज टू शो द एडिशन व्हेन वी जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर, राइट. टू सेंग इट कैन बी वर्ब, एडजेक्टिव, एज आई टोल्ड यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंजंक्शन, दैट इज बट एंड येट. बट एंड येट आर यूज इन कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट होता है व्हेन वी शो द डिफरेंस. कॉन्ट्रास्ट, ओके, कॉन्ट्रास्ट के इस वर्ड को आप फोकस करेंगे बिकॉज आपकी बुक में कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है टू शो द डिफरेंसेस, मीन्स द बोथ द थिंग्स आर अपार्ट, ओके, दे आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर. व्हेन टू आइडियाज दैट आर अपोजिट, है ना, जहाँ दो चीजें अपोजिट तरीके से यूज होती हैं, तो वहां पे हम बट येट, बट को हम कहते हैं लेकिन, येट मीन्स फिर भी, ठीक है ना, इस तरीके से, राइट. तो हाउ थ्रू एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू इन वॉट वे यू आर. जैसे मैंने एक चीज लिखी है तो यहाँ पे अपोजिट में यूज होगा कि वन थिंग शुड बी, उसका जो भी एक्शन होगा वो दूसरा अपोजिट होना. जैसे मैंने यहाँ रोहन से लेके चल रही हूँ, रोहन राइट स्लोली बट निकली. अब आप इसमें ये ध्यान देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है. यहाँ पे मैंने दो एडवर्ब को जोड़ा है बट उसमें कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है. स्लोली लिखना दैट इज बेट, मतलब उसने बहुत स्लो लिखा है तो वो उसके लिए नेगेटिविटी में है, राइट. स्लो लिखेंगे तो उसको टाइम से नहीं कंप्लीट कर पाएगा. बट ही राइट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज शोइंग द गुड थॉट, ओके, गुड आइडिया. मैंने टू आइडियाज किया, एक में स्लोली, तो देखिए बोथ आर अपोजिट विच इज, वन इज पॉजिटिव वे, वन नेगेटिव एंड अदर इन पॉजिटिव वे, तो हम बट के तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना. इस तरीके से एक चीज मैं कहती हूँ, एक और रोहन रोहन इज पुअर, रोहन पुअर है, येट अ हैप्पी पर्सन, येट अ हैप्पी पर्सन, वो गरीब है लेकिन फिर भी खुश है ना, हैप्पी पर्सन, या मैं लिख लूँ. तो आपने ये नोटिस किया यहाँ पे येट या फिर भी, यानी कि गरीब होने के बावजूद भी वो खुश है ना. लोगों के पास पैसा होता तो भी खुश नहीं हो पाता, पर वो गरीब, उसके पास इतना पैसा भी नहीं फिर भी वो खुश रहता है हर छोटी छोटी. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहा है, पुअर हमेशा नेगेटिविटी में यूज करेंगे तो उसका कॉन्ट्रास्ट हैप्पी, ठीक है. तो यानी कि बट एंड येट यूज इन द कॉन्ट्रास्ट वे व्हेन टू आइडियाज शोइंग द अपोजिट, राइट. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर इफ. इफ शोज द कंडीशन, है ना, जब कोई कंडीशन होती है तो उसके लिए हम इफ यूज करते हैं. इट इज यूज टू शो द कंडीशन, हमें कंडीशन रखता है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा, है ना. तो शो यदि, जैसे बोल देते हैं, जैसे पापा से बोलते हैं, पापा आपको बोलते हैं इफ यू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू कार फॉर यू, ओके. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको नई गाड़ी दिलाऊंगा या नया पेन दिलाऊंगा. तो यहाँ पे कंडीशन रखी है कि एक चीज आपने लिया तो दूसरी उस चीज के लिए आपको तभी फुलफिल होगी. नेक्स्ट वन इज योर ऑल्दो. ऑल्दो होता है हालांकि या यद्यपि, ये भी आपका कॉन्ट्रास्ट के तरीके से यूज होता है बेटा, ठीक है, अपोजिट. बट येट एंड ऑल्दो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इट इज यूज टू शो द अपोजिट स्टेटमेंट. इसमें स्टेटमेंट दोनों अपोजिट होनी, मैंने इसके एग्जाम्पल लिखा है, देखिए आप.
ऑल दो, और ये ऑलमोस्ट ऑल दो चाहे जो भी एडवर्ब कंजंक्शन है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं. ऑल दो शी स्पीक्स शेल्डम, शेल्डम मीन्स वेरी रेयरली, ओके बहुत कम बोलती है. देन कॉमा लगाया, ये एक स्टेटमेंट हो गई कि हालांकि वो बहुत कम बोलती है पर जब भी बोलती है तो बहुत सही बोलती है. शी सेज मीनिंगफुल वर्ड्स बट व्हेनेवर शी स्पीक्स वेरी गुड वर्ड्स, है ना, जिसका कुछ मतलब निकलता है, ज्ञान की बात बोलती है. बोलती कम है उसके बावजूद, तो ये अपोजिट ये हो गया, बोलना कम हो गया पर जब भी बोलेगी तो उसके लिए मीनिंगफुल हो गया, वो गुड क्वालिटी में हो गया. तो ऑल दो इज ऑल्सो शो द कॉन्ट्रास्ट एंड अपोजिट ऑफ, बट यहाँ पे टू स्टेटमेंट होनी चाहिए, फुल कंप्लीट स्टेटमेंट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज योर सो. सो बिकॉज में देखो मैं डिफरेंस बताऊंगी, बिकॉज शो सो होता है इसलिए और बिकॉज होता है क्योंकि. तो देखिए इट इज़ यूज टू शो द रिजल्ट, देखो सो जो कंजंक्शन है वो रिजल्ट शो करता है एंड बिकॉज इट इज़ यूज टू शो द रीजन. इफ मैं इसी को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है. कैसे, ओनली एक ही सेंटेंस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ सो का लिखते हैं, लता इज लेट सो. वो लता पहला स्टेटमेंट पढ़ी है, लता लेट थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सो तो यहाँ मैंने सो यूज किया करना है. सो सी गेट शी गेट शी गॉट इसलिए शी गेट पनिशमेंट, ठीक है ना, वो लेट थी इसलिए उसको पनिशमेंट. तो रिजल्ट क्या हुआ जैसे मैंने सिंपल तरीके, तो यहाँ पे मैंने सो के तरीके से, आपने देखा पहले यहाँ पे शी इज लेट, तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि वो लेट थी. इसी स्टेटमेंट को अगर मैं चेंज करती हूँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था एंड दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, राइट. तो यहाँ पे सो के थी, यहाँ पे रिजल्ट शो किया है, ठीक है, क्योंकि सो कंजंक्शन से रिजल्ट शो करता है. तो फर्स्ट सेंटेंस को करके उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो लेट थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको पनिशमेंट मिलता था, ठीक है. अब मैं इसको ही बिकॉज में चेंज करती हूँ, ओनली इतना सा है कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट आपको शो बाद में करा, तो आपको क्या कहना है, पहले उसमें रीजन लिखना है. तो रीजन के लिए पहले उसको, रीजन बाद में आएगा एंड में, सॉरी शी या फिर मैं लता ले लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी यूज अ नाउन. लता गेट्स पनिशमेंट, अब क्वेश्चन आता है पनिशमेंट तो मिलता है किस रीजन से मिलता है, रीजन पूछा है उसमें क्वेश्चन, जब स्टेटमेंट में आप देखिए उसमें उसका आंसर दिया था रिजल्ट. अब रिजल्ट को पहले लिखेंगे तो रीजन बाद में लिख देंगे, लता गेट्स पनिशमेंट. अब क्वेश्चन आता है वाई, है ना, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट वाई बिकॉज, तो यहाँ पे जब होगा सेकंड, ओनली इन वर्ड्स को चेंज करके, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर सेकंड टाइम मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसी को इंटरचेंज करके आप सो और बिकॉज को चेंज करते हैं, ठीक है. बिकॉज शी इज लेट, क्योंकि वो लेट थी, तो उसका आपको रीजन बताया, रीजन पहले जो रिजल्ट था उसका रीजन बताया, इसमें पहले रिजल्ट बताया उसका रीजन बाद में बताया, ठीक है, गॉट इट. तो शो और बिकॉज का इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट.